हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी टीचर मिस नेहा गुप्ता। तो आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? यू नो दिस, पहले मुझे एक बात बताइए। हर स्टूडेंट, जो आप हर बच्चा बैठा है, यू ऑल वांट व्हाट? यू ऑल वांट परफेक्शन, राइट? कैसे परफेक्शन? यू वांट टू बी परफेक्ट इन स्पोर्ट्स, यू वांट टू परफेक्ट इन एकेडमिक्स, आप चाहते हो आप ड्राइंग में भी अच्छे हो, राइट? तो इसी तरीके से जितने भी इस दुनिया में एलिमेंट्स हैं, वो भी सब क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल, करेक्ट। हर एलिमेंट बनना चाहता है स्टेबल। और आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी चीज है? सबसे ज्यादा स्टेबल है आपके नोबल गैसेस। यस, नोबल गैसेस आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स। कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रिडॉन, ये सारी की सारी क्या है हमारी? ये सब की सब है स्टेबल नोबल गैसेस। और आपको रीजन पता है ये स्टेबल क्यों है? स्टेबल ये इसलिए है क्योंकि इनकी लास्ट शेल क्या है? कंप्लीट। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हर एलिमेंट इस दुनिया में स्टेबिलिटी चाहता है, एंड फॉर दैट स्टेबिलिटी वो अपनी लास्ट शेल क्या करना चाहता है? कंप्लीट। वो अपनी लास्ट शेल नोबल गैसेस की तरह बनाना चाहता है, और उसके लिए वो या तो अपनी लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, या फिर गेन करता है, या फिर शेयर करता है। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का। एज यू कैन सी, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज है? सबसे पहले दिमाग में यही बात आई कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या? केमिकल बॉन्डिंग है बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स सो दैट इट कैन फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल और अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबिलिटी का गेम है सारा का सारा। सो स्टेबिलिटी कैसे होती है? लेट मी टेल यू। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। सपोज आई टेक सोडियम Na विद अ एटॉमिक नंबर ऑफ 11। नाउ इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका होगा 2, 8, 1। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। आइडियली जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो आप सबको बताया जाता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। आ कितने सकते हैं? 18, बट होते कितने हैं? 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते ही वो एलिमेंट क्या हो जाता है? स्टेबल। सो इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देख रहे हो 2, 8, 1, इसकी लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। नो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन के साथ या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा। सो व्हाट सोडियम इज गोइंग टू प्रेफर? सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, निकाल देगा। अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया। सो सोडियम के पास अब पहले ये था Na, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया Na+। ये क्या बन गया? यस यू आर राइट, ये बन गया आपका कैटायन। सो सोडियम बीइंग अ मेटल, मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं टू फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज कैटायंस। सो सोडियम, एज यू कैन सी ऑन माय दिस साइड इज सोडियम Na, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्या बन गया आपका? कैटायन Na+। नाउ आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या है? यस, इसका एटॉमिक नंबर है 17। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यू कैन सी 2, 8, 7। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भला? 7। नो 7 को कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए? या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा या ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन किया तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज्यादा। और प्रोटॉन्स क्या हो गए? कम। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, करेक्ट। सो अब एज यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट साइड आपका क्लोरीन क्या बन गया? Cl-। सो Cl नेगेटिव का मतलब है ये बन गया एनायन। सो मोस्टली द एनायंस आर व्हाट? दे आर नॉन मेटल्स। तो ये लूज किया, गेन किया, इसी तरह आई एम टेलिंग यू वन अनदर एग्जाम्पल। इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एज यू कैन सी 1। तो ना तो ये लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू? इट विल शेयर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे लूज होते हैं, कैसे गेन होते हैं और कैसे शेयर होते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप, एज यू कैन सी, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड।
or it is also known as electrovalent bonds. Second type of bonding is your molecular bonding or covalent bonding. So today, first of all, I'm going to take your ionic bond. आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो वो एक उसमें से लूज करेगा और एक क्या करेगा गेन. लेट्स रिकॉल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दो एग्जांपल्स दिए थे सोडियम के और क्लोरीन के. सो आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल अगेन बैक. मेरे इस साइड में है सोडियम और इस साइड में है क्लोरीन. तो पहले हम बात करते हैं सोडियम के बारे में. सोडियम Na इसका सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1. क्लोरीन मेरे लेफ्ट साइड में, इसका सिंबल है Cl, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई आपकी 2, 8, 7. राइट, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास यू कैन सी एक इलेक्ट्रॉन कम है. तो एज यू कैन सी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. अब क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन जो मेरी लेफ्ट साइड पर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव. नाउ सिंस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस कैंसल्स आउट एंड द फॉर्मूला टुगेदर बिकम्स NaCl. सो दिस इज हाउ आपका आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं. सो कैसे बने ये, दोनों स्टेबल हो गए, सोडियम की भी लास्ट शेल कंप्लीट हो गई, क्लोरीन की भी लास्ट शेल कंप्लीट हो गई, दोनों नोबल गैसेस जैसे बन गए. सो एवरी एटम वांट टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. हर एटम उसके जो सबसे पास में नोबल गैस है उसकी तरह बनना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है एंड दैट इज नोन एज योर बॉन्डिंग. इसी तरीके से वो अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है. आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ calcium oxide CaO. as you can see I'm taking calcium this side and oxygen on my this side. So agar main calcium dekhun, as you can see calcium ka symbol kya hai, Ca, aur iski atomic number kya hai 20. So iski electronic configuration kya hui 2, 8, 8, 2. On the other hand if I take oxide oxygen O with atomic number what 8, to iski electronic configuration kya hui 2, 6. एज यू कैन सी कैल्शियम के पास लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ऑक्साइड में दो इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए. अब क्योंकि इसने कैल्शियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए, सो कैल्शियम के पास कौन सा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव. वेयर एज ऑक्साइड ने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव. दिस 2 पॉजिटिव cancels out with this 2 negative and ultimately they form what, CaO, calcium oxide. So this is how the ionic bonds are formed. एक और चीज बताना चाहूंगी, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स है. आपको पता है आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों है, क्योंकि ये बनते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन से. अब क्योंकि मेरे दिस साइड जितने भी आपके अभी तक आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं, इन सब ने क्या करा, इन सब ने क्या किया, यस कैन यू रिकॉल इट, करेक्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया. सो जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो क्या बन जाते हैं आपके, केटायंस. सो मेरे राइट साइड में सारे के सारे केटायंस हैं क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स. ऑन द अदर हैंड माई लेफ्ट साइड में क्या है, सारे के सारे एनायंस, चाहे आपने ऑक्साइड पढ़ा चाहे आपने क्लोराइड पढ़ा. क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन. सो व्हेन केटायंस एंड एनायंस दे कम टुगेदर दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज बेसिकली नोन एज योर आयनिक बॉन्ड. आई होप द आयनिक बॉन्ड इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टेक इज माय सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड. करेक्ट, कोवेलेंट बॉन्ड को आप मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी बोलते हैं. नाउ इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन अगेन, मेरे राइट साइड में भी हाइड्रोजन है, मेरे लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन है, विद द सिंबल व्हाट, H. इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 1. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हुई, 1 ईच. नाउ इन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है. नाउ अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड अल्टीमेटली दे आर फॉर्मिंग व्हाट, दिस H2. तो ये H2 कैसे बना, H and H they combine together
by sharing one electron to form the hydrogen molecule. Similarly, I can take the example of chlorine. Chlorine, Cl, chlorine, Cl. Chlorine का atomic number क्या होता है? 17. So its electronic configuration is 2, 8, 7. Similarly here, 2, 8, 7. दोनों की last shell में क्या electrons है? 7. दोनों को एक-एक electron चाहिए to complete their last shell. So both chlorine will again collaborate. They will share one electron each to form the final product Cl2. Third example that I'm going to explain you, जो बहुत simple example है, बड़ा common word है जो हम use करते हैं अपनी daily life में, water. Yes, what is the formula of water? H2O, dihydrogen oxide. Now water में क्या है? Water में oxygen center में है, एक hydrogen इस तरफ है, दूसरा यहाँ पर है. Now let me draw the types of bonds. What is the electronic configuration of oxygen? 2, 6. And hydrogen की क्या है? 1. So, हम Lewis dot structures बनाते हैं. Oxygen के ऊपर हम 6 dots बनाते हैं. 2, 3, 4, 5 and 6. On each side, I'm having one hydrogen with one dot. तो ultimately क्या हुआ? इस oxygen ने अपना एक-एक electron, एक-एक hydrogen से लिया and combine करके क्या बना दिया आपका? H2O. As you can see in the figure, इसके पास 2 lone pair of electrons भी बच गए. So, water as compared to अगर हम NaCl लें, या आयनिक कंपाउंड्स से कंपेयर करें, सो दे आर नॉट दैट स्टेबल. ठीक है, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते एज कंपेयर टू योर आयनिक कंपाउंड्स. नाउ कोवलेंट कंपाउंड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड ऑल्सो, दैट इज योर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज योर ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड का सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, हाइड्रोजन. ऑल्सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन. लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ योर डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन. On my both sides, I have kept 2 oxygen atoms, O and O. Now, oxygen ka atomic number kya hota hai? Its atomic number is 8. So, what is its electronic configuration? 2, 6. So, har oxygen ke paas hum kitne dots banayenge? 6, as you can see. Now, 6 ka matlab hai, isko kitne electrons chahiye to complete the last shell? 2. So, both of these oxygen are combining together by sharing 2 electrons. Inhone apne 2 electrons share kare, and ultimately, mere haath mein kya aa gaya? Oxygen molecule O2. Now, if I want to take the example of third type, that is your triple bond, I can take a very simple example of nitrogen. Nitrogen mein kya hota hai? Both nitrogen are having the symbol what? N. The atomic number is what? 7. Electronic configuration 2 and 5. 5 hone ka matlab. Iski last shell mein kitne electrons kam hai? 3. 3 electrons ki kami ki wajah se ye aapas mein combine karenge by sharing how many electrons? 3. Forming which kind of bond? Triple bond. So single bond, double bond and a triple bond is basic characteristic of your covalent bond. I hope the topic is clear, was very easy. To aap log ab ionic compound and covalent compound mein achche se differentiate kar sakte hai. Kaun sa bond strong hai, aapko ye bhi pata hai. Aur iske hum kaise examples daily life se le sakte hai. ये भी आई गेस आप लोगों को क्लियर है. थैंक यू फॉर टुडे चिल्ड्रन. वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर.